देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गति 105 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। विराम। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। विराम। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 एवं 47 में कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देशरत्न कहकर पुकारा जाता था। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की उम्र में राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। उसके बाद वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल में गए। विराम। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विराम। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। विराम। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन 1902 में उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहारी विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विराम। राजेंद्र बाबू कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में करते थे। विराम। 1920 ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ तब वे प्रधानमंत्री थे। 1923 ईस्वी में जब सम्मेलन का अधिवेशन कोकीनाडा में होने वाला था तब वे उनके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे परंतु रुग्णता के कारण उसमें उपस्थित न हो सके। अतः उनका भाषण जमलालाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ईस्वी में बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते ही हो गया था। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला करवाया था। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर सेवा कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। 1934 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः
1949 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलअंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उनके परवर्तियों के लिए मिसाल के तौर पर काम करते रहे। विराम। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। विराम। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, इन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांवों में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया। विराम। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। विराम। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। विराम। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की, चट्टान सदृश आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। विराम।